अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आपका न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और सैरी करके मैं सो गई थी, अभी दोबारा उठी हूँ। मोहम्मद अली को स्कूल जाना था, बस अब हम बाहर खड़े हुए हैं, उसकी वैन का वेट कर रहे हैं, वो स्कूल जाएगा। मोहम्मद अली कहाँ जा रहे हैं आप? स्कूल। वापसी आ जाएंगे आप? ठीक है, कौन से स्कूल जाते हैं आप? शर्म आ रही है? ओफो, उसकी बहन आ गई है और उसे लेके चली गई है। हसन भी ऑफिस जा चुके हैं, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में सो कर उठने के बाद। 2 hours later। मोहम्मद अली स्कूल से आ गए हैं आप? क्या खा रहे हैं आप? ये रोज़ा नहीं रखा? कहाँ पे? रखा है। वो बच्चा क्या है, स्कूल में रोज़ा रखोगे तो चॉकलेट इस पर ऐसे नहीं खाते हैं, इसको ब्रेड पे लगाइए। शाबाश। स्कूल से आ गया है मोहम्मद अली और इसके अब ऑफ भी हो गए हैं स्कूल में, क्योंकि आज आखिरी पेपर था इसका और अब इसका 30 को रिजल्ट है, उसके बाद देखें कब नया सेशन शुरू होता है। काफ़ी दिन हो गए थे वार्डरोब साफ़ करने का सोच रही थी, पर फिर मोहम्मद अली के साथ लग जाती थी किसी ना किसी चीज़ में, या मोहम्मद अली अपने साथ मुझे इंगेज करके रखता है तो टाइम नहीं मिल पाता। इस वजह से आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि ना वार्डरोब साफ़ कर ली जाए। सर्दियां भी ख़त्म हो गई हैं और सर्दी के कपड़े भी काफ़ी वार्डरोब में जगह ले लेते हैं, तो आज मैंने उनको भी निकाल के अलग कर लिया था कि आज इनको भी ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि अब काम तो है नहीं इतना सर्दी के कपड़ों का। तो ये स्टोरेज बैग मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाए थे और बड़े ज़बरदस्त मिल गए हैं ये, और इसमें आराम से सामान आ जाता है, काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ गए मेरे और मैंने आराम से इसमें सारे सर्दियों के कपड़े रख दिए। और यहाँ इन साहब को अपनी चीज़ों का थैला मिल गया है। क्या लोगे? अच्छा जी, बना देती हूँ। हर दिन अफ्तारी में यही दिल करता है कि रोज़ कोई नई चीज़ हो, पर रोज़ कोई नई चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या बनाई जाए, तो कोशिश तो यही होती है कि रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया जाए या कुछ कोई चीज़ रिपीट ना की जाए। रोज़ कुछ नया बने ना बने, पकौड़े तो लाजमी ही बनते हैं रोज़, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज़ पकौड़े ऐसे हैं जो सबको ही पसंद होते हैं। साथ ही साथ मैंने कल की सहरी के लिए भी खाना चढ़ा दिया है और मैं आज सहरी के लिए बना रही हूँ निहारी। अभी मैंने इफ्तारी से पहले ही बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इफ्तारी के बाद एक अजीब सी सुस्ती हो जाती है कि बस दिल करता है सो जाओ या लेटे रहो, तो इसीलिए मैंने अभी से निहारी चढ़ा दी है कि ये पक जाए और फिर सहरी में खा ली जाए। मोहम्मद अली भी नींद से जाग गया और इस वक्त इसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, बात नहीं करने को तैयार कोई भी। और यहाँ हसन ऑफिस से आते ही गेम खेलने लग जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये रोज़ा रख के ज़रूरी है गेम खेलना। पहली हो चुकी है अब ताज़े नहा, आलू के पकौड़े, मोमोज के साथ चटनी, पालक के पकौड़े, चना चाट और ये मोहम्मद अली के चिप्स, जो कि मोहम्मद अली का गुजारा नहीं है इसके बगैर। अफ्तारी हमने कर ली है और मोहम्मद अली साहब अफ्तारी में सो रहे थे और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिखाओ मूड, दिखाओ जल्दी से, बहुत ज़्यादा रोई रोई हो रही है, अफ्तारी में उठे नहीं थे और अब रो रो के दिखा रहे हैं। अफ्तार के बाद चाय मैंडेटरी होती है, वरना सर में दर्द सही नहीं होता है और वो तो वैसे ही होती है, पर अफ्तार के बाद ज़रूरी होती है। अब बस चाय पियेंगे हम।
ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।